नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय रिलेशनशिप मरीन एजुकेयर चैनल। आज हम बात करेंगे कि मर्चेंट नेवी में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, कैसे उनके रैंक्स होते हैं और कैसे हम मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपने टॉपिक पे आएंगे। मर्चेंट नेवी में बेसिकली 3 डिपार्टमेंट्स होता है, इंजन डेक डिपार्टमेंट्स, इंजन डिपार्टमेंट्स एंड कैटरिंग डिपार्टमेंट्स। डेक डिपार्टमेंट्स में मास्टर, जिसे कैप्टन कहते हैं, और वो जहाज का ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होता है। चीफ ऑफिसर, जो कार्गो का इंचार्ज होता है, और उसको सेकंड इन कमांड बोलते हैं। इन केस कैप्टन को कुछ हो जाए तो चीफ ऑफिसर उसकी जगह लेता है। उसके बाद सेकंड ऑफिसर है, जो नेविगेटिंग ऑफिसर कहलाता है। थर्ड ऑफिसर है, जो LSA एंड FFA मीन्स लाइफ सेविंग अप्लाइंसेस एंड फायर फाइटिंग अप्लाइंसेस का इंचार्ज होता है। उसके नीचे कैडेट होता है। कैडेट जो होता है, लर्निंग कैंडिडेट होता है, वो आगे एग्जाम देके थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर और मास्टर तक जा सकता है। उसके नीचे क्रू डिपार्टमेंट आता है डेक साइड का, जिसे बोसन, AB1, AB2, AB3, OS एंड ट्रेनी OS अलग अलग रैंक्स हैं। वहीं इंजन साइड में अगर हम बात करें तो चीफ इंजीनियर सारे मशीनरी का ओवरऑल इंचार्ज होता है, और उसके उसको असिस्ट करता है सेकेंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर। TME इज ट्रेनी मरीन इंजीनियर्स। वो सेम जैसे डेक में कैडेट होता है, वैसे इंजन में TME होता है। वो लर्निंग पर्सन होता है, उसको सीख के ऊपर फोर्थ, थर्ड, सेकेंड और चीफ इंजीनियर बनना होता है। उसके अलावा फिटर, ऑयलर, वाइपर, ये सब क्रू में होते हैं। इसके अलावा एक स्पेशल इलेक्ट्रिकल ऑफिसर दिया रहता है, जो इंजन और डेक साइड दोनों में काम करता है। ये हमारा किचन डिपार्टमेंट, जिसे मरीन भाषा में कैटरिंग या गैली डिपार्टमेंट बोलते हैं। इसमें चीफ कुक होता है, जिसका मुख्य काम खाना बनाना होता है, और मेसमैन, जिसे खाने को सर्व करना होता है और हेल्प करना होता है, तो क्लीननेस इन एकोमोडेशंस। सो आज हम बात करेंगे कि क्रू से, चाहे वो डेक क्रू हो या इंजन क्रू से, वो कैसे आगे बढ़ के मास्टर बन सकता है और कैसे वो वाइपर से चल के चीफ इंजीनियर बन सकता है। ओके फ्रेंड्स, सो पहला कोर्स है GP रेटिंग कोर्स। GP रेटिंग कोर्स, सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि मर्चेंट नेवी में फ्रॉडगिरी बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपको सही कॉलेज, सही इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, तो आप DG शिपिंग के वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर चेक करिए कि जो आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं वो DG शिपिंग अप्रूव्ड है या नहीं है। उसके बाद ही आप एडमिशन लीजिए। आप फ्रॉड के चक्कर में मत आइए, नहीं तो आपके पैसे वेस्ट होंगे। सो हम बात करते हैं GP रेटिंग कोर्स। इस कोर्स का ड्यूरेशन 6 मंथ होता है। आप इससे डेक या इंजन क्रू ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, यानी आप ट्रेनी OS या वाइपर ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की फीस है 2.5 to 3 लाख रुपीस, और आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए GP रेटिंग कोर्स के लिए 10th PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए, और आपको 40% मार्क्स भी होना चाहिए। 40% मार्क इंग्लिश में होना चाहिए, वो चाहे 10th में हो या 12th में हो, बट 40 मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश में। एज लिमिट आपका 17.5 ईयर है, यानी आपको 17 ईयर्स 5 मंथ चाहिए, और आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स है। मतलब आपको 25 ईयर्स तक GP रेटिंग कोर्स कर ही लेना चाहिए, इसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों, मर्चेंट नेवी में काम करने के लिए आपको मेडिकल फिट होना जरूरी है, तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कोर्स करने से पहले, क्योंकि अगर आप पहले कोर्स कर लेंगे और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा, तो आप आगे चल के अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जॉब शिप नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, और आपका 2.5 to 3 लाख जो आपने इन्वेस्ट किया रहेगा कोर्स में, वो आपका वेस्ट जाएगा। तो मेडिकल फिट में, फिटनेस में आपको चाहिए नो कलर ब्लाइंडनेस, 6x6 विजन इन ईच आईज एंड नो आई ग्लास परमिटेड। तो अगर आपने ये कोर्स कर लिया, इसके बाद आपको डीजी शिपिंग एक एग्जाम लेती है। एग्जाम लेने के बाद आप ट्रेनी OS और वाइपर ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे, और उसके बाद आपका प्रमोशन होगा OS, AB एंड आफ्टर दैट यू बिकम गिव एग्जाम, और आप थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, मास्टर तक जा सकते हैं। यहाँ पे इंजन साइड में आप वाइपर, ऑयलर, फिर फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर तक जा सकते हैं। अगर आपको गैली डिपार्टमेंट, आपको कुकिंग में इंटरेस्ट हो, आप खाना बनाने के शौकीन हो और आपको पैसे कमाना है, देश दुनिया में घूमना है फ्री में, एडवेंचर लाइफ पसंद है, तो आप
गैली डिपार्टमेंट जिसे कैटरिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं आप। कैटरिंग डिपार्टमेंट में अगर आपको जाना है तो आपको ये कोर्स करना पड़ेगा, कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स इन मरीन कैटरिंग। इसके भी ड्यूरेशन 6 मंथ है। आप ज्वाइन एज ए मेसमैन या गैली बॉय करेंगे। इसकी फीस जो है कोर्स की 2 लाख से 2.5 लाख रुपीज है। क्वालिफिकेशन आपके 10+2 फ्रॉम एनी स्ट्रीम्स विद 40% मार्क्स इन 12th स्टैंडर्ड एंड 40 मार्क्स इन इंग्लिश आइदर 10th और 12th। यानी कि आपको 10+2 होना चाहिए, चाहे वो आर्ट से हो या कॉमर्स से हो या साइंस से हो, नो मैटर। और उसमें आपको 40% मार्क्स चाहिए 12th स्टैंडर्ड में, और 40% मार्क्स आपको इंग्लिश में चाहिए, चाहे वो 10th में हो या 12th में हो। इसमें भी आपकी एज लिमिट 17.5 मींस 17 ईयर्स 5 मंथ टू 20 मैक्सिमम 25 ईयर्स तक चाहिए। सेम मेडिकल फिटनेस इसमें भी चाहिए, नो कलर ब्लाइंडनेस, 6x6 विजन इन ईच आईज एंड नो आई ग्लास परमिटेड। सो दोस्तों, आज हमने बताया है आपको कि आप जीपी रेटिंग कोर्स की कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और सर्टिफिकेट कोर्स इन मैरीटाइम कैटरिंग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैडेट से कैप्टन कैसे बन सकते हैं और टीएमई से आप चीफ इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। सो दोस्त, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स।